गाइज, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम है भारती नारंग और ये वीडियो है पार्ट टू ऑफ करियर्स आफ्टर इंजीनियरिंग। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो भाई, पार्ट वन में हमने देखा था कि कौन से टेक्निकल करियर ऑप्शंस हैं, एंड अब ये पार्ट टू में हम देखेंगे कि कौन से क्रिएटिव, एकदम मस्त पे की यूनिक ऑप्शंस हैं जो आप ले सकते हो इंजीनियरिंग के बाद। तो पहला करियर ऑप्शन है एक एंटरप्रेन्योरशिप का, बड़ा स्टार्टअप होगा, मस्त पे के पैसे कमाएंगे, अच्छे अच्छे ऑफिस होंगे, इतने एम्प्लॉयज होंगे। हाँ भाई, होंगे, बट आपको पता है कि ट्रू एंटरप्रेन्योर होता क्या है? एक ट्रू एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक प्रॉब्लम को लेता है और उसका सोल्यूशन निकालता है। जब तक ये उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ना, तब तक वो चुप नहीं बैठता, और जब उसका सोल्यूशन निकल जाता है तो वो सोल्यूशन को प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है और इसी सोल्यूशन से अपना एक रेवेन्यू मॉडल जनरेट करता है, और वो रेवेन्यू मॉडल ही उसका बिजनेस होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आज कोविड का टाइम है, वी ऑल नो, हम रेस्टोरेंट तो नहीं जा सकते, बट क्या रेस्टोरेंट हमारे डोरस्टेप तक आ सकता है? I mean, रेस्टोरेंट का खाना, जोमैटो, स्विगी। भाई, हमको कहीं पहुंचना है, टैक्सी नहीं मिल रही है, ऑटो नहीं मिल रहा है, तो क्या आज एट वन क्लिक ऑफ योर मोबाइल फोन आर यू एबल टू गेट टैक्सीज, ऑटोज एट योर डोरस्टेप? इज इट नॉट ट्रू? इट इज डेफिनेटली ट्रू। तो एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो अब आप कैसे ये जर्नी को स्टार्ट करोगे? अपने आसपास देखो क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम कॉमन होगी, उसका सोल्यूशन निकालो, हो सकता है वो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन होगा, मार्केट में ऑलरेडी होगा, बट वो सोल्यूशन को आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप उसको एक रियल लाइफ सिनेरियो में कैसे ला सकते हो, वो आपको सोचना है। एंड सपोर्ट करने के लिए आपके कॉलेज में ई सेल तो है ही, सपोर्ट करने के लिए ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज ऑनलाइन तो है ही जो आपको हेल्प करती हैं, आपको प्रॉपर एक गाइड करती हैं कि ये रास्ते में आपको बढ़ना कैसे है। और मैं आपको बता रही हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप का जो रास्ता है ना, इट्स फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, बट सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी ही, बस डटे रहना है। कीप अप द स्पिरिट एंड आई एम श्योर यू आर गोना फाइंड योर वे। नेक्स्ट अप वी हैव द करियर ऑप्शन ऑफ कंटेंट क्रिएशन। आज के तारीख में एक रीसेंट न्यूज आर्टिकल ने बताया है कि कंटेंट मार्केटिंग इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी वर्थ 412.88 बिलियन डॉलर। अगर मैं इसको 400 बिलियन डॉलर्स भी पकड़ू ना, तो ये काफी बड़ी बैंडविड्थ होती है, काफी बड़ा स्पेक्ट्रम है, काफी बड़ी इंडस्ट्री है। तो भाई, एक कंटेंट क्रिएटर करता क्या है? एक कंटेंट क्रिएटर एक टॉपिक को लेता है, वो टॉपिक पे कंटेंट बनाता है और अपने व्यूअर्स की लाइफ में एक वैल्यू ऐड करता है। ठीक है, कंटेंट एंड वैल्यू, ये दोनों पार्ट्स को मैं अभी ब्रेक डाउन करती हूँ। तो कंटेंट जो है बेसिकली चार तरीके का होता है, इट इज ऑफ फोर फॉर्मेट्स, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स एंड राइटिंग। अगर आपको वीडियोस बनाना पसंद है, यू लाइक टू इंटरैक्ट, यू लाइक टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यूट्यूब इज योर प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम रील्स इज योर प्लेटफॉर्म, IGTV इज योर प्लेटफॉर्म, यू कैन क्रिएट वीडियो कॉन्टेंट देयर। ऑडियोज, अगर आप कैमरा शाय हो, कि नहीं कैमरा भी नहीं है ना, डर लगता, थोड़ा सा शाय हूं मैं, शुरू करना है बट होगा नहीं अभी, ठीक है ना, बोलना आता है, बोल सकता है तू ढंग से, पॉडकास्ट बना, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एंकर ऐप, कितनी सारी एप्स हैं भाई, अपना पॉडकास्ट बना सकता है तू। चलो ठीक है, ऑडियो भी नहीं, वीडियो भी नहीं, नहीं भाई बोलना थोड़ा दिक्कत वाली बात है, नहीं नहीं भाई लिखूं, मेरे को लिखना आता है भाई, तो लिख ना, कोरा पे क्वेश्चंस ढूंढ और उस पे आंसर्स लिख, अपनी नीश डिसाइड कर कि तू कौन से टॉपिक में अच्छा है, वो क्वेश्चंस को लिख, वो क्वेश्चंस को देख और उनके आंसर्स लिख, लिंक्डइन पे आर्टिकल्स लिख सकता है भाई तू। नहीं भाई ये सब तो नहीं, लेकिन ना मैं बहुत क्रिएटिव है भाई, मेरे को पिक्चर्स लेने का बहुत शौक है भाई, मैं ना अच्छे अच्छे पिक्चर्स ले सकता हूँ अलग अलग एंगल से, मेरे को पता है लाइटिंग क्या है, मेरे को पता है क्या होता है, तू ले ना पिक्चर्स, ले इंस्टाग्राम पे डाल, फेसबुक पे डाल, अपना पोर्टफोलियो बना। हो सकता है कि जब आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो तब आपको अपना नीश, अपनी कैटेगरी पता नहीं होगी, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो आपको क्या करना है ना, पिकअप एनी टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट, वो गेमिंग हो गया, फिटनेस हो गया, कॉमेडी हो गया, व्लॉग्स हो गया, फूड हो गया, जो भी आपको पसंद है उस पर एटलीस्ट एक दो वीडियोज तो बनाओ। एंड जैसे जैसे आप वीडियो मेकिंग में या ऑडियो पॉडकास्ट मेकिंग में या फोटोज में आगे बढ़ोगे ये जर्नी में, आपको आहिस्ते आहिस्ते पता चलता जाएगा कि
आपको क्या बनाना पसंद है, ऑडियंस को क्या अच्छा लग रहा है और मार्केट में क्या ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो आप करोगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। और मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, आपका पहला ब्लॉग, पहला वीडियो, पहला ऑडियो बहुत बकवास होगा, एकदम बकवास होगा। क्योंकि भाई देखो, पहला वीडियो और ऑडियो ना किसी का परफेक्ट नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं हुआ है। जाके उनके वीडियोस देख लो, आप एक श्योर प्रैक्टिस से, श्योर कंसिस्टेंसी से और श्योर हार्डवर्क से ही एक बेटर कॉन्टेंट क्रिएटर बनते हो। नेक्स्ट अप, वी हैव द करियर ऑप्शन ऑफ अ कीनोट स्पीकर एंड अ स्टेज आर्टिस्ट। तो मैंने ये दोनों करियर ऑप्शंस को ना हाल फिलहाल मिक्स किया है। रीजन बीइंग कि ये जो बंदे होते हैं ना, ये स्टेज पर जाके एकदम मचा देते हैं, अपना परफॉर्मेंस देते हैं स्टेज पर जाकर। सबसे पहले बात करते हैं कि कीनोट स्पीकर या पब्लिक स्पीकर होता क्या है। एक कीनोट स्पीकर वो होता है जिसको अपने टॉपिक में, अपनी एरिया में बहुत इंटरेस्ट होता है, उसको एक्सपीरियंस होता है एंड ही हैज अ क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट। जैसे राज शमानी ही हो गया। अब राज शमानी का जो बिजनेस था, उसका जो फैमिली बिजनेस रहा है, वो सोप्स का रहा है, डिटर्जेंट का रहा है। तो अब ये बंदे के पास बिजनेस का नॉलेज है और इन डेप्थ नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है एंड ही इज ऑल्सो गुड विथ पब्लिक स्पीकिंग एंड ही इज ऑल्सो गुड विथ कॉन्टेंट क्रिएशन। सो टूडे यू सी लॉट ऑफ हिज वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम, ओके। प्लस सिंस ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस एंड इज अ गुड स्पीकर, ही इज कॉल्ड एट सो मेनी इवेंट्स, सो मेनी कॉन्फ्रेंसेज वेर ही गोज टू टॉक। उसको भाई बोलने के पैसे मिलते हैं, बट वो ऐसा वैसा नहीं बोलता, एक नॉलेजेबल जो चीज होती है वो बोलता है। जैसे संदीप महेश्वरी हो गया, यू कैन से दैट ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ हिज ओन स्टार्टअप्स, एक्सपीरियंस ऑफ हिज ओन बिजनेसेस, जो कभी ऊपर हुए तो कभी नीचे है, हिज सक्सेसेस एंड फेलियर्स, एंड वो अपनी ही स्टोरी लोगों के साथ शेयर करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको इंस्पायर करता है, ठीक है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए एक कीनोट स्पीकर के या पब्लिक स्पीकर के। एकदम सा बेसिक एग्जाम्पल दूंगी, जैसे आप पेपर प्रेजेंटेशन करते हो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में, यू रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, यू हैव द टेक्निकलिटीज रिटन एंड देन यू प्रेजेंटेड इन अ रिटर्न फॉर्म। सिमिलरली कीनोट स्पीकर होता है, ही नोज द टेक्निकलिटीज ऑफ द सब्जेक्ट, ही इज एक्सपीरियंस्ड एंड ही जस्ट हैज टू गो आउट स्पीक इन पब्लिक विद अ डिफाइंड मैनर। इसको शुरू कैसे करें, अपने कॉलेज से शुरू करें, अपने कॉलेज के इवेंट्स से शुरू करें, आपके इन एंड अराउंड ओपन माइक्स होते हैं, आपके सब्जेक्ट की कम्युनिटीज होती है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत लोगों को इंटरेस्ट होगा तो उनका कुछ फेसबुक ग्रुप होगा, वैसे कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए एंड वहां पे प्रेजेंट करना स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट विद समथिंग जो आपके अराउंड हो। और ऐसा ही एक करियर ऑप्शन है ऑफ बीइंग अ स्टेज आर्टिस्ट, जिसमें आपका स्टैंड अप कॉमेडी आ गया, आपका होस्टिंग आ गया, एंकरिंग आ गया, पोइट्री आ गया एंड थिएटर आ गया। तो अभी हमारे कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स तो हैं ही, थिएटर हो गया, ड्रामा हो गया, पोइट्री हो गया, तो वहां पर जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए। तो स्टैंड अप कॉमेडियन या स्टेज आर्टिस्ट या एक होस्ट या एंकर, ये वो बंदे होते हैं जो स्टेज पर जाके भाई परफॉर्म करते हैं, अपना आर्ट फॉर्म दिखाते हैं। तो इसको हम शुरू कैसे करें, स्टैंड अप कॉमेडी के काफी सारे ओपन माइक्स होते हैं। अगर आप गूगल करोगे ना ओपन माइक नियर उल्हासनगर, ओपन माइक नियर कांदिवली, तो एक लिस्ट आ जाएगी आपको गूगल पे। अभी तो सारे ऑनलाइन भी ओपन माइक्स हो रही हैं, तो अपना पहला ओपन माइक कीजिए। ओपन माइक के जो टीम मेंबर्स हैं उनसे बात कीजिए, उनको बोलिए आपको परफॉर्म करना है, आपने जो एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है अपने कॉमेडी की, उसको जाके परफॉर्म कीजिए। हो सकता है कि पहली बार आप सक्सेसफुल नहीं होगे, पहली बार शायद आपके जोक्स पे लोग हंसेंगे भी नहीं, बट इससे क्या होगा, आप परफॉर्म करोगे, आपका स्टेज फियर निकलेगा, आपको स्टेज पे परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस आएगा और ताबड़तोब एकदम इमीडिएटली उधर ही आपको फीडबैक मिलेगा अपनी ऑडियंस से, और वो फीडबैक को लेकर आप नेक्स्ट टाइम अपने स्क्रिप्ट में, अपने जोक्स में इम्प्रोवाइज कर सकते हो। और ये सेम चीज वर्क करती है विथ पोइट्री, ये सेम चीज वर्क करती है विथ होस्टिंग, एंकरिंग। कॉलेज में तो कितने सारे इवेंट्स होते ही रहते हैं ना, पिकअप एन अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट होस्टिंग, स्टार्ट एंकरिंग। कॉलेज में नहीं करना, स्टार्ट होस्टिंग बर्थडे पार्टीज, वेडिंग एनिवर्सरीज एट होम। तो इस तरीके से आपका एक एंकरिंग करियर, एक आपका होस्टिंग करियर भी ग्रो हो सकता है। तो ये थे भाई कुछ क्रिएटिव करियर ऑप्शंस जो हमने प्रेजेंट किए थे आपके सामने। तो बताना कि आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है एंड कौन से करियर ऑप्शंस आप चूज करना चाहोगे या एक्सप्लोर करना चाहोगे। हम आपके कमेंट्स का कमेंट सेक्शन में वेट करेंगे और ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना और फैला देना, शायद उनको कुछ चमके, शायद उनका करियर बन जाए, ठीक है ना। चलो फिर मैं आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, बाय।